सास बहू की मिलावटी रंगीन पानी पूरी। शहरी भीड़भाड़ से कोसों दूर बसा ब्रह्मपुरा नाम का एक भरापूरा गांव, जहां एक बड़ी जनसंख्या की जनता वास करती थी। उसी गांव में लाजवंती और अलका नाम की सास बहू की जोड़ी भी अपने पति के साथ रहा करती थी। परिवार के मुखिया थे सत्तू, जो लाजवंती के पति और शेखर के पिता थे। एक सवेरे की बात है। अरे सुनती हो शेखर की अम्मा, अरे जल्दी से खाना बांध दो, हमका देरी होवत है। तभी रसोई घर के भीतर से दोनों सास बहू एक संग निकल कर आती हैं और लाजवंती कहती है, अरे सत्तू महाराज, थोड़ा सब्र बांध लिया करो, ऐसा भी क्या होड़ मचा रखी है जैसे कि लाखों की कमाई करने जा रहे हो। माँ, आज गांव के प्रधान का खेत पटाना है ताकि कल से जमीन में बीज बोया जा सके। बरसों से दोनों बाप बेटे खेती बाड़ी में उलझे पड़े हो, मगर पेट पालने के सिवा एक पैसा नहीं बचता है। जाने इस टूटे फूटे छप्पर से किस जुग जमाने में निजात मिलेगा। अरे भगवान, भोर सवेरा बौरा गयल हो का, जत्रा बिगड़े के सिवा और ही कुछ नहीं आवत है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे खेत की ओर निकल पड़ते हैं। और कुछ देर बाद, सासुमा इतनी देर दोपहर हो गई है, अब तक आपने एक भी निवाला नहीं खाया। इस पर लाजवंती बेमन से कहती है, जीवन भर तो ये रूखा सूखा ही खाना है, जाने इस घनघोर गरीबी से हमारा घर कब निकल पाएगा। सासुमा, बाबूजी और ये मिलकर जो भी कमा पाते हैं उससे तो जीवन भर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हर्ष ही रहेगा। अब हम सास बहू को भी कुछ करना पड़ेगा। दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, माँ जी, आजकल बाजार भर में गोलू गोलगप्पे वाले की दुकान अर्श पर है, अगर हम सास बहू उसके गोलगप्पे के ठेले के बाजू में एक अपनी पानी पूरी का ठेला खोल दे तो गोलों के गोलगप्पे का कारोबार अर्श से फर्श पर आ जाएगा और हम सास बहू धड़ाधड़ कमाई कर सकेंगी। दोनों सास बहू घर का दाना पानी खरीदने के पैसे पानी पूरी के कारोबार में झोंक देती हैं और ढेरों गोलगप्पे बनाकर पहुंच जाती हैं। गोलू गोलगप्पे की दुकान के एकदम सामने कुछ घंटे बाद, माँ जी, ऐसे हमारी पानी पूरी का मामला जमने वाला नहीं, हमें इस गोलू के गोलगप्पे से हटकर कुछ नया करना होगा। हाँ बहू, एक तो इस पानी पूरी में हमारा पड़ता इतना लगा है, मगर एक पैसे की बिक्री भी नहीं हुई। एक तरकीब है जिससे सामने खड़ी इस मुश्किल को हम इंद्रधनुष के तीर जैसे भेद सकते हैं। माँ जी, साफ शब्दों में कहिए, गुत्थी मत गूंथिए। क्यों ना हम सास बहू मिलकर रंगीन पानी पूरी पकाएं? इससे पानी पूरी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ हमारे पास खींची चली आएगी और हमारा पड़ता भी कम लगेगा। वाह माँ जी, आपने ये बात तो बड़ी चौकी की कही, कल से हम यही करेंगे। अगली सुबह, अरे बहू नींद से जाग, देख भोर हो गई, गोलगप्पे नहीं करने क्या, उठ। कुछ ही देर में दोनों मिलकर पानी पूरी का सामान इकट्ठा करके कहती हैं, माँ जी, ये पानी पूरी के पानी बनाने का पुदीना तो रातों रात सड़ गया। बहो, एक तो हम सस्ता देखकर ये सड़ा गला पुदीना उठा लाए थे, एक बार पुदीने को पीस कर इसे पानी पूरी में पानी का घोल तैयार कर दे तो किसे पता चलेगा। माँ जी, पानी पूरी के लिए इतना सूजी मैदा काफी है। अरे मेरी बुद्धू बहू, जानती नहीं सूजी मैदा कितना महंगा है। गोलगप्पे बनाने में आटा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सास बहू को घाटा नहीं होगा। और अगर ग्राहक ने स्वाद से पकड़ लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे गोलगप्पे रंग बिरंगे बनेंगे, किसी को हम चॉकलेट गोलगप्पों का नाम देंगे तो हम किसी को फ्रंट गोलगप्पा। पैसे कमाने की होड़ में दोनों सास बहू स्वार्थी होकर खराब कोटी का सामान इस्तेमाल करती हैं, जैसे सड़े गले पुदीने का पानी सस्ते रंग का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी पानी पूरी बनाती है और उन्हें बेचने के लिए बाजार आ पहुंचती है। पानी पूरी खाओ, रंग बिरंगी किफायती उच्च कोटि की पानी पूरी खाओ भैया, अब आ गया है भरे बाजार में आपके बीच 10 रुपए में 10 पानी पूरी। ऐसा सुनते ही लोगों की बड़ी भीड़ सास बहू के बने रंगीन पानी पूरी खाने के लिए उनके पास आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। तभी लता और ब्रजेश नाम का एक दंपत्ति उनकी रंगीन पानी पूरी खाने को दौड़ा आता है। अरे जरा जल्दी से हमको भी रंगीन पानी पूरी तो खिलाना। इस पर ब्रजेश कहता है, वैसे ये रंगीन पानी पूरी आपने कैसे बनाया है? ग्राहक होने के नाते हमको खाने की गुणवत्ता की खबर तो होनी चाहिए। दोनों अतरंगी सास बहू एक दूसरे का मुंह ताकती हैं और अलका कहती है, अब इन रंगीन पानी पूरी को हम सास बहू ने बड़े परख और प्यार से बनाए हैं, खाकर देखो बाबू। ब्रजेश और लता पानी पूरी खाने लगते हैं। वो सास बहू की रंगीन पानी पूरी के पीछे का दोषपूर्ण सामग्री को नहीं पहचान पाते। वाकई
आप दोनों सास बहू के रंगीन पानी पूरी के लिए जितनी सराहना की जाए कम है। कितने स्वादिष्ट है ये पानी पूरी। हर एक दिन के साथ सास बहू के रंगीन पानी पूरी की पहचान बढ़ती चली जा रही थी। सालों से जमे गोलू गोलगप्पे वाले के तमाम ग्राहक अब सास बहू के रंगीन पानी पूरी के पीछे हो चुका था। सास बहू की कमाई भी बेहतर होने लगी थी। किससे गांव के प्रधान तक पहुंच चुका था एक सांझ। अरे जरा हमको भी तो चखाओ अपने ये रंगीन पानी पूरी। अरे प्रधान जी आप? पूरे गांव में तुम्हारे ही पानी पूरी का बोलबाला मचा हुआ है। जरा हम भी तो देखें इस रंगीन पानी पूरी में ऐसा क्या खास है जो सभी को इसे खाने की खुमारी चढ़ी हुई है। हा? दोनों सास बहू गांव के प्रधान को रंगीन पानी पूरी देते हुए पूछती है। प्रधान काका कहिए कौन से रंग का पानी पूरी खाएंगे? ये हरे वाला, ये लाल वाला या ये चॉकलेट वाला? कोई सा भी। जैसे प्रधान एक रंगीन पानी पूरी को हलक से नीचे उतारता है, बिगड़े स्वाद के चलते उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहता है, अरे ये कैसा रंगीन पानी पूरी है, स्वाद का पता ही नहीं है, अजीब सी सड़न महसूस हो रही है इस पानी पूरी के पानी में। इस पर दोनों सास बहू तेजी दिखाते हुए कहती है, अरे प्रधान जी शायद आपकी सेहत सही नहीं, वरना हमारे रंगीन पानी पूरी खाने वालों की तो जुबान नहीं थकती। हम सास बहू के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए। देखते ही देखते सास बहू की दुकान पर आने वाली भीड़ घटना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित होती है। तभी लता और ब्रजेश उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे लता क्या हुआ ब्रजेश को, ऐसे पेट पकड़े बैठा है? जाने क्या हुआ है काकी, पिछले कई दिन से इनको कुछ पच ही नहीं रहा। मैंने सोचा क्या पता आपके रंगीन पानी पूरी खाकर इनके पेट का पानी टनाटन हो जाए। दोनों सास बहू उन्हें पानी पूरी खिलाने लगती हैं, मगर गोलू गोलगप्पे वाला उनके चेहरे पर पड़े पछतावे को भाप जाता है और कहता है, अरे ये रंगीन पानी पूरी बेचने वाली सास बहू के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ दिन से मैं ये भाप रहा हूँ कि जो भी ग्राहक इनके बनाई रंगीन पानी पूरी खाता है, या तो उसका पेट बिगड़ जाता है या वो बिछौना धर लेता है। अब तो इस रंगीन पानी पूरी के पीछे छुपा पुख्ता प्रमाण खोजना ही होगा। अगली भोर गोलू जल्दी जागकर सास बहू के घर में घुसकर उन्हें रंगीन पानी पूरी में मिलावट करते देख लेता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इस रंगीन पानी पूरी से ज्यादा कमाई करने के लिए तुम सास बहू इस घटिया दोषपूर्ण सामग्री की मिलावट करती हो। अरे इससे कितनी जिंदगी बीमारी के चपेट में आ रही है, इसकी जरा भी जानकारी है तुम सास बहू को? गोलू की बोली मक्खर सास बहू को बड़ी सबक दे जाती है, जिसके बाद अलका कहती है, हमको माफ कर दो गोलू, पैसे कमाने की होड़ में हमको और कुछ सोचा ही नहीं। पहले दिन पानी पूरी की बिक्री नहीं हुई, हमारा पड़ता न दिखने पर हम रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगी। हमें हमारे घटिया किस्म के रंगीन पानी पूरी बेचने का पछतावा है, आज से हम ये धंधा छोड़ देंगी। सास बहू की आंखों से बह रहे आंसू के पीछे के पछतावे को देखकर गोलू बात को वहीं दबा देता है। अगले दिन से सास बहू नए सिरे से साधारण तौर से गांव में घूम घूम कर गोलगप्पे बेचने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों क्रमशः कम कमाई में भी बेहद खुश थीं, जो उनके बड़े बदलाव को दर्शा रहा था। श्री कृष्ण की पुजारन चुड़ैल। अंधेरी रात में तूफान आ रहा था। एक सफेद साड़ी में औरत कृष्ण जी की आरती गा रही थी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तुम पहचानो, मधुर सुना दो तान। ये भजन करते वक्त वो औरत कृष्ण जी की आरती उतार रही थी। वहीं उस मंदिर के पीछे सोते हुए आदमी को वो आवाज सुनाई देती है, अरे इतनी रात में इतनी मधुर आवाज में कौन गा रहा है, भला मैंने तो मंदिर के सारे पट बंद कर दिए थे। ये बोलते ही पुजारी मंदिर की ओर जाता है, जहाँ एक सफेद साड़ी में औरत कृष्ण पूजा में लीन थी। पंडित और आगे जाता है तो देखता है कि वो एक चुड़ैल है, जिसके गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला थी। ये देखते ही वो डर कर चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे चुड़ैल चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ सकती है, मुझे इस पर गंगा जल डालना होगा। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, रुकिए मेरी बात तो सुनिए। मुझे एक चुड़ैल की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सोच में हूँ कि एक चुड़ैल आधी रात में कृष्ण भजन क्यों गा रही है, कहीं तुम्हारी लोगों को मारने की कोई साजिश तो नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। दरअसल मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण की दीवानी हूँ, जो वर्षों से कृष्ण जी की सेवा कर रही है। मेरा नाम राधा है, मैं इसी गाँव में रहती थी
और रोज सवेरे कृष्ण जी के लिए माला बनाकर उन्हें पहनाती थी और फिर मधुर वाणी में गाना गाया करती थी। सभी लोग मेरी आवाज से मंदिर में एकत्रित हो जाते थे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिय पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान बलि बलि जाऊं, सांझ सवेर तेरे गुण गाऊं, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जय बेटा, इतनी मीठी आवाज में जो तुम रोज सुबह शाम आरती गाती हो बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारे गाते ही मंदिर में सब आ जाते हैं। पुजारी जी, ये तो कृष्ण का प्रेम है मुझ पर, जो उनके प्रेम में इतना मधुर गाना मैं गा पाती हूँ। सच में बेटी, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। गोविंद तुम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। राधे राधे। शुक्रिया अम्मा जी, पर सिर्फ राधे राधे कहने से काम नहीं चलेगा, मेरे कृष्ण का नाम भी लेना होगा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, ये लीजिए प्रसाद। ये कहते ही राधा सबको प्रसाद बांट देती है। शाम को राधा घर लौटती ही है कि ब्रज मोहन राधा से रोकते हुए कहता है, बिटिया, अरे ओ राधा बिटिया, तनिक रुकना। हाँ चाचा। अरे बिटिया, परसों जन्माष्टमी है, तो क्या तुम गोपाल को सजा दोगी उस दिन? और हाँ, तुम्हारी मीठी आवाज में गाना भी सुनना है। ब्रजमोहन चाचा, आप कैसी बातें करती हैं? भला मैं अपने कान्हा के किसी काम को मना कर सकती हूँ? और वो भी उस दिन जिस दिन उनका जन्म होगा, मैं आ जाऊंगी। मैं जानता था बेटी तुम जरूर आओगी। दो दिन बाद जन्माष्टमी का महोत्सव होता है। हर जगह जन्माष्टमी की चहल पहल होती है, मेले लगे होते हैं। जहाँ कृष्ण मंदिर में कृष्ण को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, मंदिर के बाहर मटकी फोड़ने की कार्यक्रम था, जिसमें मटकी तोड़ने वाली टीम आती ही नहीं है। तभी ब्रज मोहन कहते हैं, अरे राधा कुछ तो करो, बाहर से मटकी तोड़ने वाली टीम आ ही नहीं रही है, मटकी तोड़ने का कार्यक्रम कैसे होगा? चाचा मुझ पर भरोसा रखिए, इस मटकी को अब मैं तोड़ूंगी। गो 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 गोविंदा, चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक छाक ताक करे नीचे का चोर। ये गाते हुए वो आसपास के लोगों को घेरा बनाने के लिए कहती है, जिनकी मदद से वो उन पर चढ़कर मटकी फोड़ देती है और सभी लोग ताली बजाकर उसका प्रोत्साहन करते हैं। अरे वाह बिटिया, तुमने तो बहुत अच्छे से दही हांडी फोड़ दी। मेरा सपना था पुजारी जी कि एक दिन मैं भी दही हांडी फोड़ूं, और आज वो मौका मुझे खुद मिल गया। तो इसी बात पर कहिए राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बेटा, तुमने बहुत अच्छे से हांडी तोड़ी, तुमने मेरी बात का मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा आप मुझे कितनी बार शुक्रिया करेंगे? अपने कृष्ण के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो सिर्फ दही हांडी फोड़नी थी। जय श्री कृष्णा चाचा, मैं भोग की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा। ये कहकर राधा कृष्ण के भोग को तैयार कर लेती है, फिर उसी मंदिर में उन्हें अच्छे से सजा देती है। रात में जन्म के वक्त वो उनको झूला झुलाकर उनके लिए आरती गाती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहती है भगवान आती नहीं, कौन कहती है भगवान आती नहीं, तुम मीरा की जैसी बुलाती नहीं, कौन कहती है भगवान खाती नहीं, कौन कहती है भगवान खाती नहीं, तुम शबरी की जैसी खिलाती नहीं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कृष्ण का जन्म हो चुका है, हमारी कान्हा का जन्म हो चुका है, सब आइए और बारी बारी से माखन खिलाइए। तुम कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हो, जो दिन रात इस मंदिर में उनकी पूजा और सेवा करती हो, तो सबसे पहले तुम ही उन्हें माखन खिलाओ। हाँ हाँ, तुम ही माखन खिलाओ। ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं ही कृष्ण को माखन खिलाती हूँ।
ये कहते ही वो कृष्ण को माखन खिलाती है। सब धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं। वक्त बीतता है, राधा कृष्ण के मंदिर में बैठी बैठी वो सेवा करती, उन्हें समय पर भोग लगाती और भजन कीर्तन किया करती थी। मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और वहाँ एक बड़ी मशीन मंदिर को तोड़ने जा रही थी। राधा जैसे ही आती है उस भीड़ को देखकर बोलती है, ये इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ पर, और ये जेसीबी की मशीन इधर क्यों है? अरे राधा बिटिया, अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गई। अरे देखो ना, ये मंदिर को तोड़ने वाले हैं। ये कहते हैं कि सरकार इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पार्क बनाना चाहती है, इसलिए ये इस मंदिर को तोड़ देंगे। ये मंदिर नहीं टूटेगा, आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप सब यहाँ से वापस लौट जाइए, ये मंदिर नहीं टूटेगा। इस मंदिर से हम सबकी बहुत आस्था जुड़ी हुई है और आप इसे तोड़ नहीं सकते। देखिए मैडम, हमारी बात समझिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमें इस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, देखती हूँ इस मंदिर को आप कैसे तोड़ते हैं। इसे तोड़ने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैडम हमारी बात को समझिए, वरना अंजाम बुरा होगा। कान्हा, ये जिंदगी तुमने ही दी है और तुम ही पर लौटा दूंगी, ये मैंने वचन लिया है। मैं इस मंदिर को तोड़ने नहीं दूंगी, यदि इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। जय श्री कृष्णा। ये बोलकर राधा मंदिर को बचाने के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाए जेसीबी के आगे खड़ी हो जाती है। जहां एक तरफ टस से मस वो नहीं होती, वहीं सरकारी अधिकारी भी मानते नहीं है और वो मंदिर को तोड़ने लगते हैं कि बीच में राधा आ जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वो एक चुड़ैल बनकर कहती है, मेरी सेवा और आस्था के बाद भी मैं नाकाम हो गई और ये मंदिर टूट गया। बचपन से मैं यहाँ अपने कृष्ण की भक्ति करती आई हूँ, ये जगह ना सही तो कहीं और ही सही, लेकिन मैं अपने कृष्ण की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी और मंदिर में ही क्यों ना जाना पड़े। चुड़ैल की कहानी सुनते हुए पुजारी को रात से सुबह हो जाती है, जहाँ कोयल कू कू कर रही थी। और उस दिन के बाद से पंडित जी मैं यहाँ पर आ गई, मैंने सोचा मैं कृष्ण की भक्ति यहीं पर किया करूँगी। तुम तो सच में कृष्ण के मीरा की जैसी हो, उसी की तरह भक्ति करती हो। मुझे माफ कर देना बेटी, पर अब की बार मैं तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकूंगा। तुम तो एक पवित्र आत्मा हो जो कभी भी किसी भी मंदिर में आ जा सकती हो। जी पुजारी जी। दोनों को बात करते हुए एक पति पत्नी का जोड़ा देख लेता है और कहता है, अरे पंडित जी, ये मैं सुबह सुबह क्या देख रहा हूँ, आप एक चुड़ैल से बात कर रहे हैं। कहीं इसने हम सबको नुकसान पहुँचा दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी, ये एक पवित्र आत्मा है और ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इसकी सारी बातें बताता हूँ। पंडित ये कहते हैं उन दोनों को सब कुछ चुड़ैल के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है और वो चुड़ैल को कुछ भी नहीं कहते, जिसके बाद चुड़ैल को कृष्णा की पूजा करने से कोई भी मना नहीं करता और उसके साथ मिलकर कृष्ण के गीत गाते हैं। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दे, दोता कान में तो मेरी प्रेम की बानी, अब तो सुना दोता। जादुई रेनकोट। प्रत्येक वर्ष बरसात की फुहार गरीबों पर बाढ़ बनकर टूटती है। करमपुरा गांव में रहने वाली गिरिजा की भी कुछ यही कहानी थी। साल के आधे महीने में तो जैसे तैसे बरिहारी करके घर का खर्चा निकल जाया करता था, मगर जब बरसात आती तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझता था। ऐसे ही इस बार मैंने गुड़िया से वादा किया था कि इस बार मैं उसको रेनकोट लाकर दूंगा, मगर मैं बेबस इस बार भी रेनकोट खरीदने की रकम नहीं जुटा सका। काम पर जाने को पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, जाने ये बरसात की फुहार कब रुकेगी। तुम्हारी कहने से ही बरसात नहीं रुकने वाली, कितनी दफा कहा तुमसे कि दो पैसे जोड़कर एक छाता या रेनकोट खरीद लो। साल बीत गया मगर तुमसे एक रेनकोट न खरीदा गया। ये सिद्धि बादल आज थमने वाले नहीं है, करते रहो इंतजार। एक तो ये बरसात नहीं थम रही, ऊपर से तुम भी घटा की तरह मुझ पर ही गरजे जा रही हो। मैं अपनी भरसक कोशिश करता हूँ, मगर हर साल सावन भादों का ये महीना हम जैसे गरीब तबकों की कमर तोड़ देता है। ऐसे में घर चलाने पर आफत बन जाती है तो रेनकोट कहाँ से खरीदूंगा। 8 साल की अनन्या गांव के ही विद्यालय में पढ़ती थी। कुछ देर बाद, माँ अगर बरसात नहीं छूटेगी तो मैं विद्यालय कैसे जाऊंगी। अनन्या बेटी,
ये पन्नी सर पर ओढ़कर स्कूल चली जा। अनन्या पन्नी की टाट ओढ़कर स्कूल चल पड़ती है और रास्ते में जाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो एकदम रेनकोट की जैसा है जिससे मैं भीगने से बच गई। अब मुझे टीचर जी की डांट नहीं खानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है मैदान में भरे पानी से वो कहती है, इस बबूल के पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा है, मुझे दूसरी डगर से जाना होगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है तभी बरसात के साथ तेज आंधी तूफान उठता है जिसके चलते उसकी टाट उड़ जाती है। इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कोई चारा न बचने पर नन्ही अनन्या बरसात में भीगते हुए स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। May I come in, miss? कक्षा में बैठी टीचर अनन्या की ओर नजर घुमाकर कहती है, ये कौन सा समय है विद्यालय आने का और ये क्या हाल बना रखा है? कीचड़ में सने जूती, मैले कुचली ड्रेस। मैडम, आपने प्रचार नहीं देखा क्या? कैसा प्रचार? यही कि दाग अच्छे होते हैं। 10 रुपए का टाइट खोलो और सारे दाग धोलो। मोनू की बात सुनकर सभी बच्चे अनन्या की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। शट अप मोनू, और तुम अनन्या, जब तक तुम्हारे पास रेनकोट नहीं आ जाती तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते बरसात के साथ अनन्या के आंसू भी आंखों से बरसते रहते हैं। वो घर लौटकर रोते बिलखते हुए अपनी माँ को सारी बात कह सुनाती है। कक्षा के सभी विद्यार्थी के पास छाता और रेनकोट है सिवाय मुझे छोड़कर। काश मेरे पास भी रेनकोट होता। हे ईश्वर, एक रेनकोट के खातिर मेरी बच्ची कितना कुछ झेल रही है। गिरिजा के पास तो एक छाता खरीदने की रकम नहीं तो वो रेनकोट कैसे खरीदेगा। दिन ढलते जा रहे थे जिसके साथ अब बरसात का महीना अपने चरम सीमा पर आ पहुँचता है। फिर एक सवेरे, अरे कुड़िया, इतनी सवेरे ये वर्दी क्यों पहन ली? ताकि माँ आज मैं बरसात शुरू होने से पहले स्कूल बाहर जाऊँ। इतना बोलकर वो स्कूल निकल जाती है मगर आधे रास्ते पहुँचते ही झमाझम बरसात शुरू हो जाती है जिसे देख अनन्या एक घने पेड़ के नीचे छुप जाती है। बरसात के रुकने तक मुझे यही रुकना पड़ेगा। तभी उसकी नजर बरगद की जटाओं के बीच में उलझी मकड़ी पर जाती है। तभी पत्ते पर से बरसात की एक बूंद मकड़ी पर गिरते ही वो जमीन पर गिरती है। मुझे इसे बचाना होगा वरना ये मकड़ी मर जाएगी। वो झट से हथेली नीचे करती है तभी मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, हाँ, तुम बोल सकती हो पर कैसे? मैं एक जादुई मकड़ी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कोई छाता और रेनकोट नहीं है इसीलिए मैं बरसात से भीगने के डर से यहाँ छुपी हुई हूँ। ये सुनकर जादुई मकड़ी विशाल रूप में आकर उसे एक जादुई रेनकोट देकर कहती है, रेनकोट? ये एक जादुई सतरंगी रेनकोट है जो तुम्हें बरसात की मार से बचाएगा चाहे कितनी भी तूफानी बरसात क्यों ना आए। एक भी बूंद तुम्हारे रेनकोट के भीतर नहीं घुसने पाएगी। साथ ही इस जादुई रेनकोट से तुम जरूरतमंद की मदद भी कर सकोगी। जब भी तुम्हें रेनकोट की जरूरत पड़े तुम इसे मदद मांगना। अब मैं चलती हूँ। वो झट से उस जादुई रेनकोट को पहनकर स्कूल की कक्षा में पहुँचती है तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है। अरे काका, आप तो बरसात में भीगने के चलते कांप रहे हैं, आपके पास रेनकोट नहीं क्या? मेरे पास एक ही पुरानी छतरी थी, वो भी थोड़ी देर पहले तूफान में जाने कहाँ उड़ गई, इसलिए मैं भीग गया हूँ बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको रेनकोट देती हूँ। अगर तुम अपना रेनकोट मुझे दे दोगी तो तुम खुद भीग जाओगी। हम में से कोई नहीं भीगेगा, ये एक जादुई रेनकोट है, ये देखिए इसका कमाल। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे जल्दी से एक बड़ा सा रेनकोट दे। अनन्या के कहते ही जादुई रेनकोट उसे चमकता हुआ एक और रेनकोट देता है जिससे वो बूढ़े आदमी को देखकर विद्यालय आ जाती है जहां उसके चमचमाते रेनकोट को देख कक्षा के सभी बच्चे उसकी तरफ खिंचाते हैं। अरे वाह अनन्या, तुम्हारा रेनकोट तो बड़ा सुंदर और आकर्षक है, मैं इसे देख लूं? हाँ देख लो मगर प्यार से। अनन्या, क्या मैं भी तेरा रेनकोट पहनकर देख लूं प्लीज? ठीक है। मोनू झट से उस जादुई रेनकोट को पहनते हुए कहता है, काश के ऐसा कोई रेनकोट मेरे पास भी होता। उसके इतना कहते ही जादुई रेनकोट के भीतर से एक और रेनकोट बाहर आता है।
ओ तेरे, ये क्या है? ये जादुई रेनकोट है जो जादुई रेनकोट देता है। यकीन नहीं होता तो अपने रेनकोट से रेनकोट मांग कर देखो। ए मेरी जादुई रेनकोट, मुझे एक और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट से एक और रेनकोट प्रकट होता है। आइला, ये तो सचमुच का जादुई रेनकोट है, अपनी तो निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद विद्यालय का समय समाप्त होता है। तभी टीचर कहती है, जाने आज आसमान के झरोखों से इतना पानी क्यों बरस रहा है। छुट्टी का वक्त हो चुका है मगर तूफान के चलते छतरी भी नहीं अड़ रही। अगर बच्चे भीगते हुए घर लौटे तो सर्दी से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। काश कि सभी बच्चों के पास रेनकोट होता। टीचर जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबको रेनकोट दे देती हूँ। अनन्या, इतने बच्चे तुम्हारे एक रेनकोट में नहीं समा सकेंगे। टीचर जी, अनन्या के पास जादुई रेनकोट है जिसके भीतर से जादुई रेनकोट निकलते हैं। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे इसी वक्त 100 रेनकोट दो। अनन्या के कहते ही उसके जादुई रेनकोट से अनेकों जादुई रेनकोट की बौछार लग जाती है जिससे अनन्या सभी बच्चों में उनको बांट देती है। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस रेनकोट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सभी बच्चे एक साथ रेनकोट पहने झूमते नाचते सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अनन्या भी रेनकोट पहनकर घर आती है। शुक्र है मेरी बच्ची जो तू घर आ गई। रेडियो पर प्रसारण हुआ था कि आज की बरसात अपने उफान पर है। ये रेनकोट किसका पहना है? माँ, ये रेनकोट मेरा है, ये एक जादुई रेनकोट है। ये तो क्या कह रही है गुड़िया, जादुई रेनकोट? हाँ माँ, लगता है आपको भी बाकियों की तरह इसका कमाल दिखाना पड़ेगा। ए मेरे जादुई रेनकोट, जरा अपना चमत्कार दिखाना, मुझे और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट अनगिनत रेनकोट बरसाने लगता है जिससे देख चंपा और गिरिजा चकाचौंध रह जाते हैं। पिताजी, अब इन सभी रेनकोट को जमा करके आप चाहो तो रेनकोट बेचने का व्यापार कर सकते हो। हाँ, बरसात में रेनकोट बेचने का धंधा अच्छा चलेगा और कमाई भी होगी। इस तरह अंत में गिरिजा जादुई रेनकोट से मिले सभी रेनकोट को बटोर कर रेनकोट बेचने लगता है जिससे उनका जीवन पटरी पर चला आता है। अब जादुई रेनकोट गिरिजा का व्यवसाय बन जाता है जिससे वो हर मानसून के महीने में रेनकोट खरीदने में असमर्थ लोगों की बरसात से बचने की खातिर मुफ्त रेनकोट बांटा करता था। गरीब लाचार माँ। रात का समय था, शीतल रोते हुए अपने बेटे मुन्ना को चुप करते हुए कहती है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। मैं क्या करूं, मैं इतनी लाचार हूं कि तेरे लिए एक समय का दूध भी नहीं ला सकती। ऊपर से लॉकडाउन के चलते कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तभी शीतल की दो बेटियां उसके पास आती हैं, जिसमें से एक का नाम कविता होता है। माँ, मुन्ना ने सुबह से दूध नहीं पिया है, वह बहुत भूखा है इसलिए रो रहा है। क्या करूं बेटी, दो दिन से काम ढूंढ रही हूं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। ले जरा मुन्ना को संभाल, मैं पड़ोस की काकी से थोड़ा दूध मांग कर लाती हूँ। वो लोग बहुत ही गरीब थे इसलिए शीतल दूध मांगने के लिए पड़ोस की काकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है। काकी, दरवाजा खोलो, मेरा मुन्ना भूख से तड़प रहा है, थोड़ा सा दूध दे दो मुझे मेरे मुन्ना के लिए। काकी दरवाजा खोलती है और शीतल को एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे देती है। बेटा, इस लॉकडाउन के चलते सभी लोगों की हालत खराब हो गई है, ये लो बेटा दूध और अपने मुन्ना को पिला देना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दूध ले जाकर शीतल अपने मुन्ना को पिला देती है जिसके बाद वो चुप होकर सो जाता है। शीतल की छोटी बेटी सीमा कहती है। माँ, मुझे भूख लगी है, दो दिन से खाना नहीं खाया है और अब नींद भी नहीं आ रही। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और फिर कल मैं कहीं ना कहीं काम जरूर ढूंढूंगी और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। तभी घर में मनोहर आ जाता है और एक थैला कविता को पकड़ाते हुए कहता है। ये लो कविता, ये मंदिर से मिला प्रसाद है, आज मंदिर में किसी ने लंगर बांटा था तो मैंने उसे एक थैले में भर लिया और तुम लोगों के लिए ले आया। पिताजी, क्या आपने खाया है? हाँ बेटी, मैंने वही मंदिर पर बैठकर खा लिया था, तुम सब लोग खा लो। सभी लोग मंदिर से मिला लंगर बैठकर खाने लगते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोहर और शीतल काम ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं
तभी उनकी छोटी बेटी सीमा कहती है, माँ पिताजी मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आज आपको काम मिल जाए। अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहां मनोहर को एक फैक्ट्री के अंदर आटे की बोरी उठाने का काम मिलता है, वहीं दूसरी तरफ शीतल को एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। मनोहर आटे की बोरियां उठा रहा होता है, तभी वो अपने मालिक को एक आदमी से बात करते हुए सुनता है। अरे यार घनश्याम, तुझे अब मैं क्या बताऊं, तेरे आगे तो कुछ नहीं छुपा है। अरे तू चिंता क्यों करता है, डॉक्टर से इलाज करवाता रहे भाभी का, देखना एक ना एक दिन भाभी को एक प्यारा सा बच्चा जरूर हो जाएगा। दौलत होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, मैं तो बच्चा अडॉप्ट भी कर लूं, लेकिन कोई अपना बच्चा देने को तैयार नहीं है। देख यार, जो नसीब में होता है वही मिलता है, तू बस भगवान पर भरोसा रख, वो तेरी कभी ना कभी तो सुनेगा ही। मनोहर दोनों की बातें सुन रहा होता है और शाम को काम निपटाने के बाद अपने तीनों बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है और वहीं अपने मुन्ना के लिए दूध भी ले जाता है और शीतल को मालिक की बात बताता है। शीतल, अगर हम अपने मुन्ना को मालिक को दे देंगे तो वो हमें खूब सारा पैसा दे देंगे। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अपने बच्चे का सौदा करते हुए? मैं अपना मुन्ना किसी को भी नहीं दूंगी। शीतल तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम हमारे हालात को जानती हो, ऊपर से हमारे आगे दो बेटियां भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। और यही नहीं, अगर हमारा मुन्ना मालिक के पास रहेगा तो उसकी जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी, मालिक उसे अच्छी परवरिश देंगे, हमारे साथ तो हमारा मुन्ना गरीबी में ही मर जाएगा। बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अपना मुन्ना को ऐसे किसी को कैसे दे दूं? शीतल अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, एक फैसला हम सबकी जिंदगी बदल देगा, और हम अपने मुन्ने के साथ बुरा थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा मुन्ना हमेशा खुश रहे और उसे कभी किसी चीज की परेशानी ना हो। उस रात मनोहर और शीतल दोनों ही करवटे बदलते रहते हैं और दोनों को ही नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह शीतल मनोहर से कहती है, अगर इस फैसले से मेरे मुन्ना की जिंदगी सफल हो जाती है तो मैं तैयार हूँ अपने बच्चे को देने के लिए। शीतल की बात सुनकर मनोहर खुश हो जाता है और दोनों मिलकर अपने मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मालिक मालिक ये मत समझना कि हम अपने बच्चे का सौदा कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे मुन्ना की परवरिश अच्छी हो, और आपसे अच्छी परवरिश हमारे मुन्ना को कोई नहीं कर सकता। मालिक मेरी हाथ जोड़कर आपसे बस यही विनती है कि मुझे मेरे मुन्ना से दिन में एक बार मिलने दीजिएगा। तभी मालिक की पत्नी कौशल्या कहती है, बहन तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुन्ना तुम्हारा ही बेटा है और मैं बच्चे का दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इसकी माँ तुम हो और तुम ही रहोगी, हम इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे और तुम्हारा जब भी दिल करे तुम अपने मुन्ना से मिलने आ सकती हो। कौशल्या की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर का मालिक कहता है, मनोहर देखो ये कुछ 10 लाख रुपए है, इन पैसों से तुम अपने लिए कोई अच्छा काम खोलना और अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में भेजना, और कभी भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, आखिर तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी में हमारा साथ दिया है। मालिक मालिक हमारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, बस यही विनती है हमारी आपसे। पैसे लेकर दोनों वापस घर जाते हैं, जिसके बाद मनोहर उन पैसों से अपना खुद का एक छोटा सा घर खरीदता है और एक छोटी सी खाने पीने की दुकान खोल लेता है। उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो दोनों अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देते हैं। जब भी शीतल और मनोहर का अपने बेटे मुन्ना से मिलने का मन होता था तो वो सभी मिलकर मुन्ना से मिलने चले जाते थे, मालिक भी उन्हें कभी रोकती टोकती नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग पैसों के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर होते हैं, जैसा कि आपने हमारी कहानी में देखा। नाशपाती के पेड़ पर चुड़ैल। सरोज अपने बेटे राजू और अपने पति संजय के साथ देहरादून के एक छोटे से गांव में रहने के लिए आई थी। सरोज के गांव में बाढ़ आने की वजह से उन लोगों को दूसरे गांव में आकर रहना पड़ा।
जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी। देहरादून में आते ही संजय ने फल बेचने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक फल बेचा करता था, जिससे वो रोज का अपना खर्चा निकाल लिया करता था और इसी के चलते उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। अच्छा सरोज, मैं चलता हूँ, तुम आज राजू के स्कूल में जाकर उसका एडमिशन करवा देना। अरे हम लोग तो अनपढ़ रह गए, लेकिन बच्चे का पढ़ना बहुत जरूरी है। अजी आप चिंता मत कीजिए, आज ही मैं राजू का एडमिशन जरूर करवाऊंगी। संजय फल बेचने के लिए अपनी फलों की रेडी लेकर निकल जाता है, जिसके बाद सरोज घर के सारे काम निपटा कर राजू को स्कूल एडमिशन के लिए ले जाती है। जैसे ही राजू का स्कूल एडमिशन होता है, उसके टीचर उसे यूनिफॉर्म दे देते हैं और टीचर सरोज से कहते हैं, देखिए बच्चे को रोज यूनिफॉर्म सही से पहनाकर स्कूल भेजना है और यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत जरूरी है, कल से आपका बच्चा स्कूल आ सकता है। टीचर के ये बोलने पर सरोज बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद वो टीचर से कहती है, आप चिंता मत कीजिए टीचर जी, मैं अपने बेटे को अच्छे से यूनिफॉर्म पहनाकर और साफ सफाई से स्कूल भेजूंगी, मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। सरोज राजू को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद उस दिन वो अपने बेटे राजू की पसंद का सारा खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम ढलते ही जब संजय फल बेचने के बाद वापस घर को लौटता है, वो घर में आते ही सबसे पहले सरोज से पूछता है, अरे सरोज, अरे जल्दी से बताओ मुन्ना का एडमिशन हुआ या नहीं? अरे होगा क्यों नहीं, आखिर हमारा बेटा इतना प्यारा जो है, आपको पता है जिस स्कूल में मुन्ना का एडमिशन हुआ है वो बहुत ही प्यारा है, कल से हमारा मुन्ना स्कूल जाया करेगा। माँ मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाओ ना, मुझे पिताजी को दिखानी है। स्कूल की खुशी में सुबह से 4 बार स्कूल यूनिफॉर्म पहन चुके हो तुम, अब तुम्हें अपने पिताजी को दिखानी है, रुको मैं तुम्हें अभी पहनाती हूँ। सरोज राजू को उसकी यूनिफॉर्म पहनाती है, जिसके बाद राजू अपने पिता को यूनिफॉर्म पहनाकर दिखाने लगता है। संजय बहुत खुश होता है और खुशी में राजू को 10 रुपए देता है। ये लो तुम्हारे लिए, तुम इनसे कल स्कूल में चीज खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिलाना, ठीक है? राजू पैसे लेकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज सबसे पहले अपने बेटे राजू को तैयार करके स्कूल भेज देती है, जिसके बाद संजय भी फल बेचने के लिए निकल जाता है। राजू अपने पहले दिन पर सभी बच्चों के साथ दोस्ती करता है और बहुत अच्छे से स्कूल का पहला दिन निकालता है। स्कूल में उसको एक अरुण नाम का दोस्त भी मिल जाता है, जिसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है वो दोनों एक साथ घर को लौट रहे होते हैं। अरे कल भी हम दोनों एक साथ सीट पर बैठेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी पूरी क्लास में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने हो। तभी अरुण को एक नाशपाती का पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर नाशपाती लटके होते हैं। अरे देखो कितना प्यारा नाशपाती का पेड़ है, मुझे तो नाशपाती खानी है, चलो ना नाशपाती खाते हैं। लेकिन हम दोनों बहुत छोटे हैं, नाशपाती कैसे तोड़ेंगे? अरे मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, देखो मैं अभी तुम्हें नाशपाती तोड़ कर देता हूँ। अरुण एक पत्थर उठाता है और उसे पेड़ पर मार देता है, जिसके बाद वो पत्थर नाशपाती को लगने की जगह पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल को लग जाता है, जिसकी नजर केवल राजू पर ही पड़ती है। अरे अरे ये क्या, किसने मुझे पत्थर मारा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे पत्थर मार रहा है? जैसे चुड़ैल नीचे की तरफ देखती है उसे राजू दिखाई देता है। ओहो देखो तो सही इस बच्चे को, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे नाशपाती के पेड़ से नाशपाती तोड़ेगा, अभी बताती हूँ इसको। चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल नाशपाती तोड़कर उसके सिर पर मारने लगती है। हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है, नाशपाती तो अपने आप ही टूट कर गिर रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से भागते हैं। अरे अरे रुको 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 तो सही, देखो कितने सारे नाशपाती टूट कर नीचे गिर गए हैं, चलो इन्हें अपने बैग में भर लेते हैं। अरुण कुछ नाशपाती अपने बैग में भर लेता है और कुछ नाशपाती राजू के बैग में भर देता है, जिसके बाद वो दोनों घर को लौट आते हैं। जैसे ही सरोज राजू को स्कूल से आते हुए देखती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे उसके पहले दिन के बारे में पूछती है। तो बेटा राजू कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, स्कूल में अच्छे से मजा किया या नहीं? अचानक से राजू को पता नहीं क्या हो जाता है और वो चुपचाप अपना बस्ता उतार कर अपने कमरे में चला जाता है। अब इसे क्या हो गया, लगता है पहला दिन इसका अच्छा नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, शाम को इसके पिता आएंगे तो अपने आप इसको संभाल लेंगे। ऐसा सोचकर सरोज घर के कामों में लग जाती है।
शाम होते संजय भी फल बेचकर घर लौट आता है और राजू को उदास देख सरोज से कहता है, अरे क्या हुआ? राजू बहुत ही उदास दिख रहा है और चुपचाप भी दिखाई दे रहा है, कहीं तुमने उसको डांटा तो नहीं? भला मैं कैसे डांट सकती हूँ, जब से स्कूल से आया है ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, आप ही देखो अब अपने लाडले बेटे को। संजय अपने बेटे राजू के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राजू किसी से कुछ नहीं कहता और बिना खाना खाए सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है राजू चुपचाप उठकर खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल के लिए बिना बताए ही निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और स्कूल खत्म होने के बाद राजू नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठा हुआ खेलता रहता है। स्कूल तो रोज दोपहर के 1 बजे ही खत्म हो जाता है, फिर राजू शाम तक कहाँ रहता है? आज मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। सरोज इस बात का पता लगाने के लिए राजू को स्कूल लेने पहुंच जाती है। राजू जैसे स्कूल से बाहर निकलता है वो भागता हुआ नाशपाती के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसका पीछा करते करते सरोज भी उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सरोज दूर खड़ी हुई छुप कर राजू को देखती रहती है। कुछ ही देर में नाशपाती के पेड़ से चुड़ैल उतर कर राजू के पास आती है और उसके साथ खेलने लगती है, जिसे देखकर सरोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरा बेटा एक चुड़ैल के साथ खेल रहा है, ये कैसे मुमकिन है, अब मैं क्या करूं? सरोज को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद जैसे ही शाम को राजू वापस घर आता है, सरोज उसे देखकर कुछ नहीं कहती और अपने पति संजय के आने का इंतजार करती रहती है। संजय के आते ही वो चुपके से संजय को सारी बात बताती है, जिसके बाद संजय सरोज से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ, अब वही हमारे बेटे का कोई इलाज ढूंढ सकते हैं। ऐसा कहते ही संजय तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में संजय तांत्रिक बाबा को अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजू मंत्र सुनते ही घर से भाग जाता है और भागते हुए नाशपाती के पेड़ के पास आकर रुक जाता है। दूसरी तरफ संजय और सरोज तांत्रिक के साथ राजू का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो नाशपाती के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र से नाशपाती के पेड़ से चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और तांत्रिक से कहती है, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देख चुड़ैल, इस मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दे इसे। इसने मेरे पेड़ के नाशपाती खाए हैं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्रों द्वारा पड़ी हुई भभूति उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल बहुत कमजोर हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर तांत्रिक उसे नाशपाती के पेड़ से बांध देता है और एक बोतल में अपनी शक्तियों द्वारा चुड़ैल को कैद कर लेता है और इस तरह नाशपाती और राजू के ऊपर से चुड़ैल का कब्जा खत्म हो जाता है।